अभी हमने इसके अंदर सांदा भर दिया है और सांदा भरने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये पूरा काम भी कंप्लीट हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब अनिल कुमार एके ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आज विंडो का फ्रेम बना रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज का है 4x5 का है, इसको फोटो फ्रेम बनाना है। इसमें फोटो फ्रेम बनाने के लिए हमने पहले से मोल्डिंग मार के कंप्लीट कर लिया है, आपको मोल्डिंग दिखाना चाहूँगा। और ये हाफ राउंड मोल्डिंग है, ये हाफ राउंड मोल्डिंग है। तो हमने 2 इंच की पट्टी वाली फोटो फ्रेम हमने बना लिया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी ये फोटो फ्रेम 2 इंच का बन गया हाफ राउंड में, पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये सामने दीवार पे टाइस आएगा तो हमने चेंबर मार के छोड़ दिया और ये हाफ राउंड किया है। ये आप देख सकते हैं हाफ राउंड है ऐसे, और 2 इंच की पट्टी लगाया। अब जा रहे हैं इसमें टाइल्स लगाने और ये भी दीवार टाइल्स लगाएंगे अभी, फिर उसके बारे में बताएंगे हम। तो भाई लोग अभी अपना काम चालू हो चुका है और हम अभी लगा रहे हैं टाइल्स और आप देख सकते हैं हमने करीब है ये सीमेंट और केमिकल है दोनों मिक्स करके बनवाया है और टाइल्स भी गीला हो चुका है। और ये भी हम दीवार में टाइल्स कल लगाए थे आधा और आधा बाकी है, अभी आज पूरा कम्प्लीट करना है। सामने ये विंडो बना है 2 इंच की पट्टी वाली, हाफ राउंड में बना हुआ है, दिखाना चाहूँगा थोड़ा जूम करके। ये हाफ राउंड किया हुआ है और ये 2 इंच की पट्टी है और ये टाइल्स है मैट टाइल्स, मैट फिनिश टाइल्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक दीवार हमने कंप्लीट कर दिया है, ये पूरा टाइल्स लग गया, अब सामने का दीवार लगाने जा रहे हैं। अभी हमने सामने का दीवार भी लगा दिया है और साफ़ सफाई करवा रहे हैं। साफ़ करने के लिए हमें गीले कपड़े का ज़रूरत पड़ता है, पानी और गीला कपड़ा लेके मारना पड़ता है ताकि ये मेट टाइल है तो सीमेंट भी साथ में सीमेंट भी साफ़ हो जाए। इसके लिए हमें पानी और गीला कपड़ा करके फिर साफ़ करो तो साफ़ होता है पूरा क्लीन। अभी आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये हमने लगा दिया है 6 इंच का पट्टा, ग्रेनाइट का है, ब्लैक मार्बल। और सामने हमने ये पट्टी भी घुमा दिया है, बस इसको थोड़ा साफ सफाई कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और बाकी बचा अपना काम थोड़ा बहुत जो कल फाइनल पे उतर जाएगा, कल फाइनल करके इधर से निकल जाए। हमने इसके अंदर सांदा भर दिया है और सांदा भरने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये पूरा काम भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये ऊपर से पत्थर भी लग चुका है और ये काम भी पूरा हो गया। इसमें लिया गया है वाइट सीमेंट, सांदा भरने के लिए वाइट सीमेंट और कॉफ़ी कलर का सीमेंट, दोनों को मिक्स करके इसकी ये टाइल का कलर बनाया जा रहा है।